चलो, प्रधान लिमिटेड के बारे में, हम जो मल्टीबैगर स्टॉक था जिसके रिलायंस के साथ आगे टाई अप होने के चांसेस लग रहे हैं, जिसमें जामनगर में स्टील बार्स वगैरह को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो इसके बाद हमने ग्लोबल मार्केट की बात कर ली, गिफ्ट निफ्टी की बात कर ली कि गिफ्ट निफ्टी 45 अंक नीचे खुला है। तो अब देखते हैं और कौन सी खबर है आज की। बाकी ये आप भी बताइए कि कौन से शेयरों में इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे मेरे जो टॉप के है वो है जीडीएल इंफ्रा, जिसमें मेरी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। वो मेरी अबाउट 50% प्रॉफिट में चल रहा है। और उसके बाद अपना आरबीएनएल हो गया, आरबीएनएल मेरा 103% प्रॉफिट में चल रहा है। उसके बाद 70% अबाउट वो चल रहा है, अपना सुजलोन चल रहा है। तो ऐसे कुछ शेयर है जिनमें देखो, सभी में मोस्टली अपना जो प्रॉफिट में वही बताना है। इसी अकॉर्डिंग मैं भी अपना सिर्फ प्रॉफिट वाला बता रहा हूँ। तो जो माइनस वाला है वो कोई ऐसा नहीं है कि बताता नहीं, बट रीज़न ये है कि कुछ शेयरों के लिए वेट करना पड़ता है। तो लोना 70% पे क्या ये कभी मेरा माइनस में नहीं था, 100% माइनस में था। कम से कम मेरा सुच लोन जो था 30% रेड में जा चुका था, और कब ये 70% ग्रीन में आ गया टाइम नहीं लगा। तो ये तो यह है कि रेड में जो आ जाए उसको बेचने की जल्दी करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। या तो उसे एवरेज करते रहो, या दूसरा काम ये है कि उसको वेट करो, होल्ड करो, कभी ना कभी तो शेयर ऊपर जाएगा। जैसे किसी शेयर मार्केट के बड़े बंदे की एक बात मैं बताता हूँ आपको, उसने कहा था, आदमी हो या शेयर, आखिर जाना तो ऊपर ही है। आदमी ने ऊपर कहाँ जाना और शेयर ऊपर कहाँ जा सकता है, ये तो आप समझ ही सकते हो। तो अगली जो बात है बाजार कंपनी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ। एलजी का कारोबार भारत में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2024 की पहली छमाही में इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया, और नेट इनकम भी 27% बढ़ गई, काफ़ी अच्छा है। अब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अपने भारतीय कारोबार के लिए आईपीओ लाने पर विचार कर रही है। आईपीओ की योजना का खुलासा कंपनी के सीईओ विलियम चो ने दिया है। तो इसकी कोशिश तेजी से बढ़ते शेयर बाजार का लाभ उठाने की, ताकि वर्ष 2030 तक 7500 करोड़ डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक रेवेन्यू का लक्ष्य हासिल किया जा सके। आईपीओ की योजना का खुलासा खुद सीईओ विलियम्स ने किया। पहली बार उन्होंने भारतीय मार्केट में इसकी लिस्टिंग को लेकर चर्चा की है। यह दक्षिण कोरिया की कंपनी और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक से इस मार्केट में कड़ी टक्कर में होती है। विलियम करीब 3 दशकों से एलजी ग्रुप में काम करने के बाद अब करीब 3 साल पहले 2021 में इसके सीईओ बने थे। तो एलजी के आईपीओ के बारे में आगे भी कोई अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिएगा, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ। थैंक यू।